ये दिल्ली का गली है और आप देख सकते हैं किस तरह से है। दोनों साइड दुकानें हैं, तरह तरह की दुकानें हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोग खुद से हाथ से बनाकर बेचते हैं। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें हैं और लोग यहाँ से बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टिंग होती है, बहुत दूर दूर तक, कई दूर दूर तक राज्यों में चीज़ें ट्रांसपोर्टिंग होती है यहाँ से। इधर आप देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली जो मेन नई दिल्ली होती है वहाँ पर स्टील की और ये सब की स्टील वगैरह हो गई है, लोहा वगैरह हो गई, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टिंग होती है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टिंग का स्थान काफ़ी दूरी तक है, जितने भी पाइप वगैरह आती है स्टील की और तरह तरह की चीज़ें जो ट्रांसपोर्टिंग की जाती है यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होती है। जितने भी हमारे देश के जितने भी राज्य में, सभी राज्य में ट्रांसपोर्टिंग की जाती है यहाँ से। और इधर आप दुकानें देख सकते हैं, खाने पीने की तरह तरह की दुकानें हैं, काफ़ी स्वादिष्ट और दिल्ली का खाना बेहतरीन है। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से खाने पीने में बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ट्रेवल का भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, आप बस से, मेट्रो से, रिक्शा से, ओला उबर से भी ट्रेवल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है, बहुत ही बढ़िया। मेट्रो ट्रेन, हालांकि अगर आप मेट्रो ट्रेन से जाते हैं तो पूरा दिल्ली में आप सफ़र कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है, बट जहां तक भी है बहुत ही अच्छी है। इधर देख सकते, फल फ्रूट भी काफ़ी अच्छी और ताज़ी यहां पर अवेलेबल है। लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और अपना अहम भूमिका निभाते हैं। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से गली है, जो मुंबई की गली होती है वो तो बहुत ही पतली कहीं कहीं होती है, बट दिल्ली का है बट ऐसा नहीं, बहुत कम। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये घास वगैरह या फिर पौधे जानवर को खिलाने के लिए रखे जाते हैं। और इधर आप देख सकते हैं तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की दुकानें यहाँ पर, गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी की इंजन बनाने के लिए, मोबाइल की गैजेट, मोबाइल बनाने के लिए, फल फ्रूट्स, खाने पीने की, लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन दिस एरिया। और लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, घूमते भी हैं, खरीदते भी हैं अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ों को। और जिसके जो पीछे साइड है वो फ्लैट है, लोग रहते हैं, कुछ लोगों की अपनी खुद की फ्लैट है, रूम है, कुछ लोग रेंट पर रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, रेंट पर रहते हैं अब और अपना मेहनत करते हैं, इस तरह से होती है। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से है, दुकानें देख सकते हैं जिसको जिस तरह से चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इधर बिरयानी आप देख सकते हैं, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी यू कैन परचेज, और काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि इफ़ यू वांट वेज देन यू कांट परचेज, ऐसा नहीं होता है, मतलब आप दोनों खरीद सकते हैं, दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। इधर आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत गली नज़ारा। इधर आप देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पर, मिठाइयाँ भी और हर चीज़ की सुविधा है, आपको दूरी तक जाना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं से जैसे आप घर से बाहर निकले कुछ दूरी से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी और यू कैन परचेज। इधर आप देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से है, फल फ्रूट सब, सब्जी वगैरह तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लोग काफ़ी खुशीपूर्वक बेचते हैं और ख़रीदते हैं, काफ़ी खुशीपूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।